हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को-फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। दोस्तों, पिछले कई फेस टू फेस से मैं आपको बार बार एक बात कहता जा रहा हूं कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करिए, एक रूल में कन्वर्ट करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने मार्केट में हर तरह का उतार चढ़ाव देखा है। मैं मार्केट में बहुत अर्ली पीरियड से हूँ, जब से डेरिवेटिव मार्केट चालू हुआ है तब से मैं मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, और मैंने देखा है मार्केट का एक इवोल्यूशन। पहले जो पिट ट्रेडिंग मार्केट हुआ करता था, जहां चिल्ला चिल्ली चलती थी फ्लोर पे, उसके बाद ऑनलाइन मार्केट हुआ, और 2008 के बाद में एल्गो ट्रेडिंग। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग, जिसको रोबोटिक ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, तकरीबन 60%, अगर ज्यादा होगा तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, तकरीबन 60% वॉल्यूम एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में करता है। इसका मतलब रोबोट्स आ गए हैं और आप सिर्फ लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, अब आप रोबोट से भी लड़ रहे हैं। इस सिनेरियो में दोस्तों, अगर हमारा डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं होगा, हमारे काम करने के तरीके में रैंडमनेस रहेगी, तब डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। यही थ्योरी मैं बार बार कम्युनिकेट कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि कई लोग, कुछ कम लोग, इसको मान रहे हैं और अपने प्रोसेस के अंदर में एक सिस्टम बना दिए हैं, बट मेजॉरिटी अभी भी वही डिस्क्रिशनरी काम कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया टीवी पे, किसी ने कुछ ट्विटर पे बोल दिया, बस लग गए उस शेयर के अंदर में पार्टिसिपेट कर लिए। दोस्तों, ये चल तो गया है, पिछले कई महीनों से ये चल रहा है, मोमेंटम अच्छा था, तो चलिए कोई बात नहीं, पैसे तो बन गए, लेकिन यहां से उस पैसे को रखना या यहां से नया पैसा बनाना इतना सरल नहीं होने वाला है। और अगर आपको ये मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है, तो एक ही सलूशन है, वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने ऐसे ऐसे गेस्ट को लेके आऊं जो कटिंग एज काम कर रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे भी मैंने कई वीडियोस रिकॉर्ड किए थे और आपको पसंद आएगा, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में मैं और अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आऊंगा जो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज में और इफेक्टिव लैंग्वेज में समझाएंगे। आज का भी वीडियो दोस्तों इसी पे आधारित है। मैं आपके सामने एक गेस्ट को प्रेजेंट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लाइफ में वो एक ट्रांजिशन देखा है, फ्रॉम अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हु हैड वेरी टफ टाइम इन हिज लाइफ टू अ रूल बेस्ड ट्रेडर हु इज इन अ पीस मेकिंग मनी एंड नाउ ही इज इन अ कंफर्ट जोन। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इनके बारे में सुनिएगा जरूर, इनका स्ट्रैटेजी, इनका तरीका सीखिएगा जरूर, प्रोसेस समझना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं वही आप करिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल आदमी का प्रोसेस यूनिक होता है, बट एटलीस्ट आप इनसे ये तरीका सीख के इससे कुछ सीख लीजिए और अपने तरीके से एक प्रोसेस को बनाएंगे। दोस्तों, आज के मेरे फेस टू फेस में मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं संकल्प को। संकल्प, हाय, गुड मॉर्निंग सर. इट्स अ प्लेजर टू गुड बी हियर मॉर्निंग, विद यू. इट्स माय प्लेजर संकल्प, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, संकल्प को मैं फॉलो कर रहा हूं कुछ दिनों से, आपको तो पता ही है मेरा तरीका, मैं तो बस फॉलो ही करता हूं और देखता हूं कौन क्या कर रहा है, कितना जेन्युइन काम कर रहा है। तो संकल्प इज रियली रियली इनके ट्विटर के जो पोस्ट है और इनके बारे में जो मैं सुना लोगों से, तो समझ में आया कि संकल्प ने रियली अपना एक मार्केट में एक स्थान बनाया है, एक प्लेस बनाया है, और मुझे लगा कि इनका स्टोरी आप तक पहुंचे तो आप भी शायद एक अच्छी पाथ में घुस पाएंगे। संकल्प, वेरी गुड टू यस सर, नो द वे यू हैव इवॉल्व योरसेल्फ इन द मार्केट, थैंक यू सर. ग्रेट, फैंटास्टिक। सो संकल्प, आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि थोड़ा टाइम हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी हिस्ट्री, आपके फैमिली लाइफ, जी और आप ये जी क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, और उसके जी बाद टेक्निकल डिस्कशंस इन द टॉपिक जी ऑफ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जी बताइए सर। सर, एज ऑफ नाउ यू कैन कॉल मी अ सर्कमस्टेंशियल ट्रेडर. मेरी लाइफ थोड़ी उतार चढ़ाव से रही है. आई कम फ्रॉम स्कॉलरली बैकग्राउंड. बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स. तो आई वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट बैंक फॉर 11 ईयर्स. लेकिन वन फाइन डे आई फेल सिक एंड आई वोक अप इन द आईसीयू फाइनली. और दे हैड टू ऑपरेट मी. कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जिसके कारण
बहुत इंटरनल ऑर्गन्स में फेलियर हो गया था एंड आई वाज देयर इन द हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, और बहुत लो मेरा सर्वाइवल रेट मेरी फैमिली को दिया था सिंस आई वाज यंग, तो उन लोगों को प्रिपेयर करते रहते थे कि भाई कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली आई केम आउट ऑन माय ओन 2 फीट. बट सर्जरी के बाद आई कुड नॉट कंटिन्यू माय नॉर्मल जॉब बिकॉज दे हैड टू कट मी ओपन. इंटेस्टाइन्स में सर्जरी हुई थी, आई वॉज ऑन कम्प्लीट बेड रेस्ट एंड उस टाइम पे आई हैड टू क्विट माई जॉब और आई हैड टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली. एंड ट्रेडिंग, फॉर्चुनेटली बैंकिंग ऐसी फील्ड है जिसमें आप ऐसे क्लाइंट से मिलते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो आई हैड अ गुड एक्सपोजर उन लोगों से, मैंने बहुत सीखा हुआ था. एंड ड्यूरिंग द जॉब एज वेल आई यूज टू ट्रेड. कोई सिस्टम नहीं था, मतलब कभी न्यूज पे कर लिया, कभी किसी अफवाह पे कर लिया या किसी ने बोला, बेसिकली इट वॉज मोर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा था, कोई सिस्टम नहीं था. तो जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो मैं बिस्तर पे था, कुछ ना कुछ मेरे को सिस्टम बनाना था, तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ वाइल बीइंग ऑन बेड रेस्ट. तो ट्रेडिंग एक ऑप्शन था मेरे पास, मैंने उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, चार्ट देखे, दिनों दिन चार्ट देखे, एक सिस्टम बनाया है कि प्राइस को हमको कैसे गॉज कर सकते हैं. प्राइस को, प्राइस बहुत पिक्यूलियर कई साइंस देती है कि कब प्राइस ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है, उसको उस पर बिल्ड कर करके मैंने अपना सिस्टम बनाया. एंड देन आई स्टार्टेड फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड सिंस देन, सिंस 2017 आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर नाउ. हेलो, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज़ बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज़ किया है। धन्यवाद। फैंटास्टिक. सो आई थिंक आपका जो स्टोरी है उसके अंदर में कई चीजें तो मुझे कॉमन नजर आ रही है. मेरे पास काफी मेल्स आते हैं, काफी लोगों के इंटरेक्शंस आते हैं कि देर आर सर्कमस्टेंसेस विच लीड्स टू अ वेरी डाउन एंड आउट काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर अ पर्सन, और उतनी यस सर, नेगेटिविटी में इमर्ज करके पॉजिटिविटी में आना और अपने आप को स्टेबल करना, ये एक्चुअली वही मूवी याद आ गई, जो जीता वही सिकंदर. थैंक वेल डन संकल्प, रियली प्राउड ऑफ यू यू, एंड आई एम श्योर एवरी वन थैंक यू, अराउंड यू इज वेरी प्राउड ऑफ यू द वे यू हैव कम अप वेरी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ एंड यू आर एन थैंक यू सर, इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू टफ टाइम राइट नाउ. यस सर, सो संकल्प, लेट अस टॉक अबाउट योर रूल, योर सिस्टम, द ट्रांजिशन फ्रॉम आप जो एक डिस्कशनरी ट्रेडर थे, रैंडमली काम कर रहे थे और सडनली आप रूल ड्रिवन में आ गए हैं, तो ये ट्रांजिशन के बारे में बताइए हाँ थोड़ा. सर. रूल ड्रिवन मेरे को आना पड़ा. मैंने जो इनिशियल सिस्टम बनाया था उसमें मुझे बहुत सक्सेस मिली इनिशियली, एज आपने अभी स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया कि मार्केट ट्रेंडिंग था तो आप कोई भी स्टॉक पकड़ के यू कुड मेक मनी. फॉर्चुनेटली फॉर मी उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो अच्छा रिवॉर्ड मिला मेरे को और मेरी मतलब इनकम जनरेशन स्टार्ट हुई. लेकिन जैसे ही वॉलिटिलिटी आती थी या कोई अनफोर्सीन इवेंट आ गया या प्राइस एक इराटिक बिहेव वे में बिहेव कर रही है, तब मेरा सिस्टम फेल हो जाता था एंड आई वॉज हिटिंग लॉसेस. एंड एक इनडिसिप्लिन में पहले करता था कि कभी 20-30 हजार, 40-50 हजार का प्रॉफिट हुआ और मैं दिन भर लगा हुआ हूँ कि और करूँ और करूँ और करूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. मेरी एक सैलरी थी, उस हिसाब से मेरे एक्सपेंसेस, मेरी लाइफ स्टाइल, ईएमआई थी, तो अब वो कुशन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जितना अपन कर सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्टिव था पहले व्हेन आई स्टार्टेड. बट देन आई रियलाइज देर वर डेज जहां पे मैं 40-50 हजार कमा रहा हूँ एंड एट द एंड ऑफ द डे इधर आई एम एग्जिटिंग एट कॉस्ट और इन लॉस. सो मैं घर पे तो कुछ लेके आया नहीं, तो जब ये चीज 1-2 महीना कंटिन्यूअसली हुई और मेरी कैपिटल को ईट करना स्टार्ट कर दिया, देन आई रियलाइज्ड आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि कहीं ना कहीं इफ आई एम लुकिंग एट ट्रेडिंग एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. इट इज नॉट लाइक अ गैम्बलर्स मार्केट जहां जितना हो रहा उतना करते जाओ, देर इज नो एंड टू ट्रेडिंग. आप 9:15 से 3:30 अपने इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, देन कमोडिटी, बट आप कितने डिसीजन ले सकते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज आर फाइनेंशियल कैपिटल, वन इज आर मेंटल कैपिटल. फाइनेंशियल एब्सोल्युटली कैपिटल भी लिमिटेड है एंड मेंटल कैपिटल पे लोग ध्यान नहीं देते हैं.
मैं जितनी अच्छी ट्रेड सुबह 9 से 10 के बीच में ले सकता हूँ वो मैं 2 बजे नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज आई विल बी एग्जॉस्टेड, आई माइट सुपर नॉट बी टेकिंग द राइट डिसीजन. तो ये सब चीजें, फॉर्चुनेटली ट्विटर ऑल्सो हेल्प मी, आई केम अक्रॉस पीपल, उन लोगों से जो इंटरेक्शन, जो वो गलतियां करते थे वो मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया. तो ग्रीड और फियर एक कॉमन गलती होती थी, एंड देर इज अ थिन लाइन बिटवीन ग्रीड एंड फियर. अगर अपन उसमें डिसिप्लिन डाल दें तो यू नो इट इज जस्ट अ लाइफ चेंजिंग इवेंट. तो मैंने क्या किया, एक बेसिक टारगेट बनाया कि यू नो 3,500-4,000 रुपये अगर मेरी बैंक की सैलरी थी दिन की, उसके हिसाब से मैं अपनी ट्रेडिंग को भी देखता हूँ, 3,000-4,000 बनाऊंगा एंड आई विल क्लोज द डे. आई कॉल देम ओके डेज. जब मेरा डेली टारगेट हो जाता है तो यू नो मैं उसको टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ और बस यू नो और कुछ सीखता रहता हूँ. लाइक जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैंने कोड करी है खुद ने. आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरे लिए एक नया फील्ड था, वो सीखता रहता हूँ दिन में कोई ना कोई नई चीज. तो मेरे को सिस्टम मतलब करना पड़ा, बिकॉज इट्स द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आई हैव राइट नाउ, एंड एट दैट टाइम मेरे लिए और क्रूशल था. सो जब मैंने ये सिस्टम या रूल्स अप्लाई करने स्टार्ट किए, एंड इट हैज इवॉल्व, इट विल इवॉल्व, यू नो इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, नो सिस्टम इज परफेक्ट. सो दैट इज हाउ यू नो आई एम यू नो ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज राइट नाउ. योर स्टोरी संकल्प एज अ ट्रेडर इज प्रीटी मच अ बॉय नेक्स्ट डोर, कि अल्टीमेटली मैं देखता हूं कि लोगों के पास में 2 से 5 लाख 10 लाख मैक्सिमम उतने कैपिटल होते हैं और 40,000-50,000 रुपए के महीने की सैलरी को ही वो रिप्लेस करना चाहते हैं थ्रू अ कंसिस्टेंट अर्निंग इन मार्केट। तो देखा जाए तो वो 3 से 4 हजार रुपए दिन का अगर हम टारगेट करें कमाने का, तो हम वो 50 से 60 हजार रुपया महीने का जोन में जा सकते हैं अगर वो डिसिप्लिन हो कि वो 3-4 हजार रुपया कमाने के बाद एक बार। बट संकल्प बहुत डिफिकल्ट है यार, वो डिसिप्लिन लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। सर आई हैव लर्न इट द हार्ड वे. मैं जिस टाइम पे स्टार्ट किया था ना, मैं मतलब आई कुडंट इवन स्टैंड प्रॉपरली. तो मेरे को कुछ ना कुछ रेडिकल करना था, एंड वो मिलिट्री डिसिप्लिन अगर मैं नहीं करूंगा, यू नो आई आई वाज आई आई एंड अप यू नो सेलिंग द फैमिली सिल्वर टू सपोर्ट माई फैमिली, या कुछ और काम करूंगा जो हो सकता है मेरी बॉडी नहीं सपोर्ट करे और मैं फिर बीमार पड़ जाऊं. तो मुझको तो वो डिसिप्लिन लाना है, आई हैड नो अदर ऑप्शन. ट्रू 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 ट्रू, ग्लैड दैट यू डिड दैट एंड आई होप पीपल जो सुन रहे हैं ये बात वो भी समझ लें चीज। और बहुत अच्छी बात कही आपने, मनी कैपिटल मेंटल कैपिटल, कितना सही बात है कि सुबह आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग होता है कि टिपिकली पीपल डू मेक मनी इन द मॉर्निंग, बट वो आफ्टरनून टाइम में आते आते एग्जॉशन हो जाता है या मार्केट आपको मैनिपुलेट भी करना चालू कर देता है। तो टिपिकली वो दोपहर का टाइम में आप ब्रोकर को रिच बनाते हो, खुद महंगे खुद गरीब होने लग जाते हो। और तीसरा मैं एक और पॉइंट बोलूंगा संकल्प, विच नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड, वो मैच्योरिटी के साथ में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको समझ में आता है कि एक और कैपिटल है, वो है टाइम कैपिटल। आपका समय इतना प्रेशियस है कि आप सुबह 9:15 से 3:30 तक अगर एक काम में लगे हुए हैं और आपको वो रिटर्न नहीं दे रहा है, वो समय एक बार जाने के बाद कहाँ आता है वापस? या एग्जैक्टली. एंड यू आर द और बहुत पर्सन हु फ्रस्ट्रेशन होगी अंडरस्टैंड द डे एंड वैल्यू, में. या एंड यू आर द पर्सन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बिकॉज आपने समय से लड़ाई की है और आप वापस जी आए लिटरली। हाँ जी गुड गुड संकल्प। सो चलिए कुछ टेक्निकल डिस्कशंस पे अब आगे बढ़ते हैं। तो आई वुड लाइक यू टू शेयर अ प्रेजेंटेशन ताकि जो भी यस आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस हमको अगर आप समझा सके तो बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. दोस्तों संकल्प तब तक स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये हैं बीकॉम ग्रेजुएट और इन्होंने ट्रेडिंग व्यू में अपना एक सिस्टम को कोड कर रखा है। ये जो बात थी ये मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं, ट्रेडिंग व्यू को यूज करके सिस्टम कोड कर दिया और सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो ये प्रोसेस को आप समझिएगा और कॉन्फिडेंस अपने अंदर में लेके आएगा कि अगर संकल्प कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। चलिए संकल्प। इज माई स्क्रीन विजिबल सर? यस आई कैन सी योर स्क्रीन। सो एज यू जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो भी मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज करता था, उसको मैंने ट्रेडिंग व्यू में कोड कर दिया, एंड दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड स्टेबल फोर्क. इसका बेसिक पर्पज है प्राइस एक्शन को पढ़ के बाय या सेल सिग्नल जनरेट करना. अब इट इज द जॉब ऑफ द इंडिकेटर टू कीप गिविंग यू ट्रेड. इट विल नेवर बी सिटिंग आइडल. या तो कभी बाय चल रही होगी या सेल चल रही होगी. अब नाउ वी हैव टू यू नो ग्रेड दोज ट्रेड्स
कि हमको कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड में स्ट्रेंथ है, कौन सी में नहीं है. द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू ट्रेडर्स, बी इट इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स, सेटअप फेलियर्स. हमको कोई बहुत अच्छा यू नो एक सिनेरियो दिखा, वी एंटर इनटू अ लॉन्ग और अ शॉर्ट एंड इन वन फाइन मिनट और इन सम टाइम वो ट्रेड रिवर्स करके यू नो इट टर्न्स आउट टू बी इन अ लॉस एंड वो ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया. तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैप्स, क्योंकि यू नो अकॉर्डिंग टू मी अ बैड ट्रेड नॉट टेकन इज द बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे. एनीथिंग दैट इज नॉट ईटिंग इनटू माय कैपिटल यू नो मेरे लिए वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से ज्यादा अच्छी है, बिकॉज मेरी कैपिटल इंटैक्ट है, द मार्केट विल ओपन टुमारो एज वेल, कल ले लूंगा एटलीस्ट यू नो जो मेरी कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था वो इंटैक्ट है. सेकेंडली जो ट्रेड्स मेरे सिस्टम के हिसाब से पिन पॉइंटेड परफेक्ट है उसपे मेरे को और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आई कैन यू नो स्केल अप, पिरामिडिंग करके मैं अपनी पोजिशन साइजिंग बढ़ा सकता हूँ, तो मुझको और कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छे सेटअप्स पे. एंड एज इट इज आई एम अवे फ्रॉम ट्रैप्स. कई बार वो ट्रैप्स बाद में जाके रिवॉर्ड कर देते हैं, बट हाइंडसाइट एनालिसिस का कोई एंड नहीं है. एट रन टाइम जो अपने को सही लगता है, जो चीज गलत लगती है, अगर वो इफ इट इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम यू नो बैड ट्रेड्स, सम बैड ट्रेड्स, कई इवेंचुअली अच्छी भी हो जाती है, लेकिन यू नो दैट्स गोइंग टू चेंज द होल सिनेरियो. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द सेटअप विद यू. सो द मोड विल बी इंट्राडे सर, एंड इंस्ट्रूमेंट दैट आई चूज इज ऑप्शन बाइंग. ओके, एंड सिग्नल जनरेशन दैट इज वेदर आई विल बी गोइंग लॉन्ग और शॉर्ट, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय माई इंडिकेटर. इट विल बी गिविंग यू नो बाय और सेल सिग्नल्स. एंड स्टॉक सिलेक्शंस आर यू नो आई शेयर 3-4 stocks in my Telegram channel every day. I'll explain something about stock selection in a bit. Okay. So, जो 3-4 stocks हम select करते हैं, उन्हीं में दिन में काम करते हैं. उनमें कोई trade बनती है as per setup. तो you know we initiate our trades. And now trade execution. अब यहाँ तक हमारे पास एक system है, stocks हैं, लेकिन हमको trades grade करके लेनी कौन सी है, that will be taken care of by this 3-point grading system, जो शॉर्ट में 3PGS हम लोग बोलते हैं. एंड एग्जिट स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, द इंडिकेटर इज गोइंग टू प्लॉट एग्जिट सिग्नल्स, वहां पे वी विल बी एग्जिटिंग. नाउ स्टॉप लॉस में आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन लाइव चार्ट्स एज वेल. जब भी कोई लॉन्ग सिग्नल बन रहा है, सो जो भी सिग्नल की कैंडल है उसका लो विल बी द स्टॉप लॉस, एंड इन केस ऑफ अ शॉर्ट the high of the signal generation candle will be the stop loss. Okay. अब stop loss मैंने क्योंकि candle के size you know candle पे determine कर दिया, तो risk reward will not be fixed. कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी candle बन जाती है, तो हम हमारी entry काफी late हो रही होती है और candle का size बड़ा हो जाता है, तो उस case में 1:1 हो जाता है, but usually 1:2 की trade मिल जाती है, but this is the variance 1:1 से 1:2 के बीच पे रहता है. Okay. So, कब एक minute. संकल्प जस्ट वन मिनट. दोस्तों ये स्लाइड को एक बार फिर से देखिए, और इस स्लाइड में लेफ्ट साइड में है बोल्ड में पॉइंटर्स, और राइट साइड में है उसके संकल्प के थॉट प्रोसेस उन पॉइंटर्स पे. अब आप लेफ्ट साइड के पॉइंटर्स को दोस्तों लिख लीजिएगा, मोड, इंस्ट्रूमेंट, सिग्नल, स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड एग्जीक्यूशन, एग्जिट स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड. यही है जो हर ट्रेड के लिए आपको लिखना चाहिए, जो कि ट्रेड जर्नल में लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये ट्रेड क्यों किया. तो ये बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट आपको संकल्प ने दे दिया, सबकॉन्शियसली संकल्प ने दे दिया, मैंने पकड़ लिया इसको. ये टेम्पलेट आप लोग दोस्तों कैप्चर कर लीजिए फटाफट, और ये लिख लीजिए कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ये पैरामीटर्स क्या है, बेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड आइटम्स आपका राइट साइड क्या है. ठीक है, संकल्प के लिए स्टेबल फोक है, संकल्प के लिए स्टॉक सिलेक्शन के अपने क्राइटेरिया, हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, राइट? तो ये आप आई होप आप समझ गए होंगे और आप नोट कर लेंगे ये बात. चले संकल्प. सो यू नो बिफोर आई स्टार्ट सर, मेरे को आई विल जस्ट शेयर माय थॉट्स अबाउट प्राइस एक्शन. सब लोग यू नो चार्ट देखते हैं, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई इंटरेक्टेड विद वो देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है मतलब बुलिश मूव हो रहा है, एक रेड कैंडल है मतलब बेरिश मूव हो रहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी दैट्स द इकोनॉमिक्स बिहाइंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कैंडल. सो व्हेनेवर वी सी अ ग्रीन कैंडल
I'll just explain it briefly. The price opens lower and it closes higher. So in hindsight, the price is actually appreciating. Okay? And the reverse happens in a bearish candle. The price opens higher and closes lower. I know it's a very basic thing, but कई लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते. अगर अपन यही देख लें तो अपना ट्रेंड एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है. The candle itself is telling you that the price action is in a downtrend or an uptrend. Now, एक simple sir जो मेरी सारी strategy है that is primarily based on demand and supply. तो अगर ये price है तो price के नीचे जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं, इट कैन बी अ मूविंग एवरेज, इट कैन बी वीवैप, इट कैन बी अ पिवट, इट कैन बी अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, व्हाटएवर इज बिलो प्राइस विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड व्हाटएवर इज अबव प्राइस इट कैन आल्सो बी एनीथिंग अ पिवट और अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट या कोई ईएमए लार्जर टाइम फ्रेम का तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस? अगर मैं शॉर्ट जा रहा हूं तो ये वो जोन है जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. यहां से प्राइस नीचे आके रिवर्स मार सकती है. इट इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर माय ट्रेड. सो आई एम गोइंग टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑन दीज जोन्स व्हिच कैन स्पॉइल माय ट्रेड. ठीक है, सिस्टम है, आपको एक सिग्नल मिला, कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉइंट्स हो रहा है, तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन ये जो डेटा पॉइंट्स हैं यहां पे कहां पे एक एक्सेसिव डिमांड जनरेट हो जाए, यू नेवर नो. Hindsight में अपन उसको एनालाइज कर सकते हैं, बट रन टाइम में इफ यू हैव दिस वेरिएबल्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड इफ यू हैव दिस थॉट प्रोसेस कि सेल सिग्नल बना है, कॉन्फ्लुएंस में है, लेकिन ये जो जोन है ना, यहाँ प्राइस को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है नीचे क्रॉस करने में, तो आई विल बी अ बिट कॉशियस. ओके, सो दिस इज बेसिक, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ प्राइस एक्शन दैट आई वांटेड टू डिस्कस. So now the mode remains intraday. Opening पे कोई ट्रेड नहीं लेते. Trades are taken post 9:20, मतलब 9:25 की जो opening candle है, अगर उस time तक कोई signal बन गया तो 9:25 से हम लोग start करते हैं. And no trades will be taken after 3 o'clock because the mode remains intraday. आधे घंटे में कोई ऐसा trend मिलता भी नहीं है. And strictly there will be no carry forward trades. And I might be the best example to tell you ki kal kya hoga, you never know. One fine day I was happy and healthy, enjoying my life with my family in a secure job. Agle din meri puri life badal gayi. So maybe it's because of my life events, but you can see, you can relate to this thing. Parson ka market aur kal ka market jo Friday ka tha, we opened gap down 200 point. It's not in our control. Koi war ho gayi, koi news aa gayi, koi tweet aa gayi jisse ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया, विच इज नॉट इन आवर हैंड. हमारे पास एक पोजीशन है, अगले दिन वो क्या खुलेगी, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट. सो इट्स बेटर टू सेफगार्ड योर कैपिटल और कल का जो चार्ट बोलेगा उस हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे. एंड सिंस आई एम एन ऑप्शन बायर, कैरिंग फॉरवर्ड माई ट्रेड इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ऑफ द थीटा डिके, तो दैट्स ऑल्सो अ रीजन वाई आई डोंट कैरी फॉरवर्ड माई ट्रेड्स. नाउ द इंस्ट्रूमेंट दैट आई चूज इज ऑप्शंस बाइंग. A brief introduction about option buying. Whenever we are bullish or we expect the price to go up, we buy a call option. And whenever we expect a downtrend or a price correction, we buy a put option. For trade execution, we will only be taking limit orders. Market orders नहीं लेंगे क्योंकि कई stocks में options इतने liquid नहीं होते. और अगर उनमें हमने market order लगा दिया तो we will get the worst possible rate. और कई बार होता है कि स्टॉक में भी ट्रैक्शन आ जाए लेकिन हमारी बाइंग प्राइस इतनी हेवी हो जाती है कि वो मैच नहीं कर पाती है अंडरलाइंग से मूवमेंट को. सो दैट ट्रेड एग्जीक्यूशन विल बी लिमिट ऑर्डर्स. नहीं एग्जीक्यूट हुआ कोई बात नहीं, 3-4 स्टॉक और है अपने पास. अगर किसी और में ट्रेड मिली या कोई और इसी स्टॉक में री एंट्री मिली तो ठीक है, और बस मिस हो गई तो हो गई. वी हैव टू हैव मिलिट्री वाला डिसिप्लिन इसमें, अदरवाइज ये फोमो वाली जो ट्रेड्स हैं ये बहुत परेशान करती है. नाउ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, इसमें हम लोग एटीएम स्ट्राइक प्राइस और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे. द स्ट्राइक प्राइस विच इज एक्सट्रीमली नियरेस्ट टू द अंडरलाइंग प्राइस. इट इज वेरी सिंपल, जो भी आपकी अंडरलाइंग की प्राइस के पास में प्राइस चल रही है वो उसको अपन सिलेक्ट करेंगे. ओके, कैन आई गो फॉरवर्ड? यप यप. सो वर्ड अबाउट स्टेबल फोक, मेरे को बहुत मेहनत लगी इसमें.
आई टेल यू द लॉजिक ऑल्सो कि मैंने ये बनाया कि मुझे क्या जरूरत है. आई कैन लुक एट नॉर्मल चार्ट्स एज वेल. जब हम ट्रेड पे बैठते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू नो चार के चार स्टॉक्स अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे सामने उसी वक्त हम जब जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है हम देख रहे हैं. तो एक इंडिकेटर या कोई एक ऑटोमेटेड सिस्टम आपको टाइमली अलर्ट दे देता है कि आपके शॉर्टलिस्टेड स्टॉक में एक ट्रेड बन रही है. यू कैन गो एंड हैव अ लुक. सो ट्रेडिंग व्यू इज अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म एंड इसमें यू कैन सेट कस्टम अलर्ट्स. सो व्हाट आई डू इज जो मेरे चार स्टॉक्स रहते हैं उसके मैं कस्टम अलर्ट्स बना के रहता हूँ. आई गेट अलर्ट्स बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑन माई फोन एज वेल. सेकेंडली, ये जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं इसको काफी टेक केयर कर लेता है बिकॉज इट हैज अ सेट ऑफ रूल्स. उसके हिसाब से बाय है तो बाय है, सेल है तो सेल है. हम लोग हमारी कई बार अपना जो डिस्क्रिशन बीच में ले आते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है. इन एक्चुअल सेंस यू नो व्हाट एवर वी थिंक माइट हैपन इन द मार्केट इज एक्चुअली इररिलेवेंट. मार्केट बहुत बड़ी फोर्स है. वी जस्ट फॉलो व्हाट एवर इज हैपनिंग. वी डोंट वी आर नॉट यू नो मूव मेकर्स. वी जस्ट फॉलो द मूव्स. सो एक जो ह्यूमन पार्ट होता है ना एनालिसिस का, जिसमें एक बायस आ जाता है, एक डिस्क्रिशन आ जाता है, वो भी टेक केयर कर लेता है. और जिन लोगों को चार्ट रीडिंग समझ में नहीं आती या यू नो रीडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, उनको भी एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में बाय और सेल सिग्नल दिखा देता है. राइट, जस्ट एक स्मॉल फॉर माय व्यूअर्स, ये जो इंडिकेटर है दिस इज हिज प्रोप्राइटरी इंडिकेटर व्हिच ही आल्सो गिव्स टू पीपल इफ पीपल सब्सक्राइब. ओके, एक छोटा कैवेट है, मेरा कोई इस पे रोल नहीं है, ना मेरे को कोई कमीशन मिलता है, कुछ मिलता है, ये उनका खुद का है. अगर किसी को इनका प्रोसेस समझ में आए और लगता हो कि इनका प्रोसेस को वो एडेप्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आपने उसका वेबसाइट का एड्रेस देख ही लिया है, प्लस मैं ट्विटर हैंडल दे दूंगा संकल्प का, आपको उनसे कनेक्ट करना है, आप कर लीजिएगा. मेरा, फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे लोग अच्छे लगते हैं तो मैं उनको होस्ट कर लेता हूँ. अब वो लोग और क्या क्या करते हैं मैं कभी भी उसमें नहीं जाता हूँ, ये आप सब जानते हैं. चलिए सर, आगे बढ़िए. सॉरी, ये कैविएट देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये डिस्क्लेमर्स यस, आई मेरे के लिए. अंडरस्टैंड सर. हाँ, आगे बढ़ते मेरे हैं. लिए इट्स एन ऑनर एज आई सेड इन द बिगिनिंग टू बी शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद यू एंड आई गेट टू स्पीक अबाउट द सिस्टम दैट आई फॉलो. सो मेरे लिए यही काफी है सर. जी सर, जी सर. सो फॉर स्टॉक सिलेक्शन, अब सर मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस जब से मैं मतलब बैंक में था वो सब चीज सेलेक्ट करके जो लोग फॉलो करते थे सिस्टम्स. आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट आई हैव टू फॉलो एट नाइट. एक दो घंटा मुझे लगता है रात को. आई रीड रिपोर्ट्स एंड आई रीड चार्ट्स. सो बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन का जो मेरा क्राइटेरिया रहता है, इट शुड द स्टॉक शुड बी अ वॉल्यूम गेनर. सेकेंडली, बैक एंड पे जो इंडिकेटर है मेरे को वो एक स्क्रीनर भी है. तो वो जो मेरे सेटअप पे स्टॉक्स आ रहे हैं वो मुझे एक जी लिस्ट दे देता है 20-25 स्टॉक्स की. जी फिर मैं उनको एनालाइज करता हूँ, उनका वॉल्यूम देखता हूँ, उनकी जो एक दिन की वेरिएंस है मतलब कितना परसेंट प्राइस ऊपर नीचे गई, कितना एटीआर उसका चेंज हुआ वो देखता हूँ. एंड कोई न्यूज तो नहीं है. आई जनरली अवॉइड अवॉइड न्यूज बेस्ड एंड इवेंट बेस्ड यू नो स्टॉक्स, क्योंकि उनमें बहुत वॉलेटाइल मूव्स आते हैं विच वी कैन नॉट वॉच. एकदम से कुछ भी टीवी पे फ्लैश होगा, आई डोंट वॉच न्यूज वेल इन ट्रेडिंग. क्योंकि कोई भी चीज जो मेरे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है वो मैं नहीं करता हूँ. ओके एंड सेकेंडली, आई मस्ट थैंक यू यू नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल आई कीप गिविंग पोजिशनल आइडियाज. सो आई गेव अ पोजिशनल लॉन्ग ऑन टाटा मोटर्स लास्ट मंथ. तो जो आपकी स्टॉक ऐप है उसपे मैं वॉल्यूम्स देखता हूँ एंड इट शोज यू नो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट ब्रिलियंट. उसको देख के आई वॉज इन कॉन्फिडेंस. मेरे सेटअप के हिसाब से भी बन रहा था, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे थे तो मैंने वो शेयर करी थी. तो वॉल्यूम इज प्राइमरी क्राइटेरिया. ओके, गुड. नाउ एग्जिट स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल. जो इंडिकेटर है इट इज गोइंग टू प्लॉट अ लाइन लाइक दिस एंड दिस इज द एग्जिट टारगेट. कई लोग होते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए काम करना होता है, वो मेरे जैसे 11-12 बजे फ्री नहीं होना चाहते, वो दिन भर ट्रेड करना चाहते हैं. उनके लिए भी इंडिकेटर एटीआर टारगेट्स प्लॉट करता रहता है. बट एज पर द सिस्टम दिस इज द एग्जिट लाइन. एंड फॉर मैनुअल एग्जिट्स वी कैन प्लॉट फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स. इफ टाइम परमिट्स आई विल एक्सप्लेन माय फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड एज वेल. नाउ दिस इज द सिस्टम. नाउ फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन देर आर थ्री पॉइंट्स दैट हैव टू बी इन कॉन्फ्लुएंस.
I call this system three-point grading system because we are giving grades to all three parameters. The first condition is there should be a buy or a sell signal, whatever the case is, from the indicator on a 5-minute chart. Normal candles पे use करें तो better रहेगा. And secondly, अब ADX आपने देखा होगा average directional index, उसमें एक crossover होता है, positive DI होता है और एक negative DI होता है. So there should be a crossover which I'll explain on charts. There should be a recent crossover between the negative and positive DI. And अब अगर buy signal बन रहा है, तो positive DI should be above 25. And अगर एक sell signal है, एक short signal है, तो negative DI should be above 25. This basically tells you कि एक तो trend reversal हो गया है, and secondly there is some strength behind this trend. कई बार क्या होगा कि एक छोटा सा trend बनता है, लेकिन strength नहीं होती trend में, तो वो SL hunt करके you know trend reverse हो जाता है. तो ये काफी सारे traps से हमको बचाता है. And as I said in the beginning, it's going to save us from traps and जो अच्छे trades हैं उनमें हमको ज़्यादा confidence रहेगा. Now there are some exceptions. You know, no system is perfect in an evolving market where you know the variables change every day. अभी कल का अगर आप market देखें या परसों को देखें जब market ही बंद हो गया तो we have to have some exceptions. तो in exceptions जब ये exceptions होंगे trades are avoided completely. So in case of ongoing signals, जैसे कल closing से पहले कोई किसी stock में कोई buy या sell चल रही है, उसको आज हम touch नहीं करेंगे. अगर किसी को उसको टच करना है तो वो एक मैनुअल डिस्क्रिशनरी सेटअप अपने को बना के रखना पड़ेगा. ट्रेंड का तो अपने को एक आइडिया मिल जाएगा, अगर सेल चले तो प्राइस विल बी करेक्टिंग, बट उस केस में रिस्क रिवॉर्ड और जो टारगेट सेटिंग है दैट विल बी डन मैनुअली थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स. बट आई वुड एडवाइज कि इनको अवॉइड करें. एंड इन केस ऑफ एक्सट्रीम गैप अप्स एंड गैप डाउन, नो ट्रेड्स विल बी टेकन इन दिस सेम यू नो ऑनगोइंग सिग्नल्स. क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर सेल बनी हुई है एंड अगले दिन वो स्टॉक ही 4-5% डाउन मूव में आया, एक जनरल तरीका होता है जिसमें लोग क्या करते हैं कि टूट रहा है तो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि उस टाइम पे RSI वगैरह एडजस्ट होता है प्राइस. अगर सेलर्स हैं तो लोग बाय भी करेंगे उसको, अपनी स्क्वायर्स यू नो स्क्वायर अप करेंगे अपनी ट्रेड्स को. तो शॉर्ट कवरिंग के कारण डिस्पाइट अ गुड डाउन ट्रेंड पीपल लैंड अप मेकिंग लॉसेस इन दीज गैप अप्स एंड गैप डाउन सिचुएशंस. तो इस केस में नो ट्रेड्स विल बी टेकन इन द ऑनगोइंग सिग्नल्स. एंड कई बार ऐसा क्या होता है सर, एक सिग्नल बना लेकिन जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं कॉन्फ्लुएंस उनकी बाद में हो रही है, मतलब नियर टू द टारगेट हो रही है, तो वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी एक छोटे लेवल पे, अब इट हैज प्रोग्रेस्ड एंड कम नियर द टारगेट. तो अब यहाँ मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत हैफजर्ड हो जाएगा, तो इस केस में ट्रेड्स विल बी अवॉइडेड. एंड ऑन एन एवरेज यू नो स्टॉक्स जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं सर, कोई भी एक स्टॉक का एक बेसिक एवरेज ATR होता है 0.78 से 2.04%, इस प्राइस रेंज में स्टॉक मूव करता है. कई बार एबनॉर्मेलिटीज होती है, 5-6% स्टॉक मूव हो जाता है, बट वो मार्केट स्टार्ट होने से पहले हमको नहीं पता होता. जैसे कल का मार्केट इतना डाउन जाएगा या स्टॉक्स इतना करेक्ट हो जाएंगे, वो किसी को मार्केट खुलते टाइम पता नहीं था. तो वी हैव टू स्टिक विद एन एवरेज यू नो ATR विच इज बिटवीन 0.78. तो सो पूरा का पूरा सिस्टम है. समटाइम्स आई एम कॉल्ड अ स्टूपिड ट्रेडर कि इतना बड़ा मूव आया और आप तो 0.78 पे निकल गए. That is what my system is telling me. It cannot predict कि आज 5% का move आने वाला है. If I have such a holy grail, I will just bet everything on that one trade and 5% करके I'll quit from the market. So hindsight analysis के लिए वो सब अच्छा लगता है, but reality में this is the range between a stock moves during you know in a day. And कई बार since our SLs are primarily revolve around the candle, the close of the candle or the high of the candle. Agar candle ka size is more than 0.78% of the stock, I have an example also for this. To hum us candle ka high nahi lete. I'll explain it better with the example. Kyunki is case mein agar main is candle ka high le lunga, agar bahut badi candle ban gayi hai, then again my risk reward you know goes down the line. Wo bahut gadbad scenario ho jata hai. To us case mein 0.38% I add or you know deduct.
आपने इतने इतने अगर क्राइटेरिया एक्सेप्शंस के आएंगे तो पहली बार ट्रैक कैसे करें, और दूसरी बात ट्रेड तो बहुत कम आएंगे, तो महीने आप तो हफ्ते में कितने ट्रेड आते हैं? ओ आप तो डेली ट्रेड कर रहे हो, सॉरी। सर मैंने एक बैक टेस्ट भी बनाया हुआ है फेब्रुअरी का, मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो। हाँ, क्योंकि इतना क्राइटेरिया याद कैसे रहेगा? सर एक दिन लाइव मार्केट में लगता है आपको ये सब चीजें देखने में, ओके और ओके अगर आपने ये सब रूल्स बना लिए हैं, वाइल अ हाँ कैंडल इज गेटिंग फॉर्मड, अब बड़ी कैंडल बन रही है तो अपने को याद है अगर एबनॉर्मल कैंडल बन रही है तो मुझे इसका स्टॉप लॉस इतना नीचे नहीं लेना, थोड़ा सा ऊपर लेना है, क्योंकि यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो रहा है। तो वो प्रैक्टिस जब करते हैं, फॉर्चुनेटली द पीपल हु आर वर्किंग विद मी आर मेकिंग गुड मनी एंड हाँ बहुत खुश हैं वो लोग, उनको एक पीस आ गई है, एक उनके पास सिस्टम है जिसको फॉलो करना है। और ट्रेड्स खराब होती है, नो सिस्टम इज परफेक्ट, स्टॉप लॉस भी हिट हाँ होते हैं, सेटअप हाँ फेलियर्स भी होते हैं, सब चीज कॉन्फ्लुएंस होने के बाद में भी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बिकॉज प्राइस एक्शन एट द एंड ऑफ द डे इज इन नॉट इन आर कंट्रोल, वी आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट एवर प्राइस इज टेलिंग अस, बट दे आर इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। द काइंड ऑफ फीडबैक दैट आई रिसीव इज एक सिस्टम आने के बाद कभी लॉस डे होगा कभी प्रॉफिट डे होगा, बट दे आर सेटिस्फाइड दैट हम लोग एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं एंड उसको क्यूमुलेटिवली वो देखते हैं तो दे आर इन ग्रीन। सही बात है। जैसे अब मैगी है, 2 मिनट में बनता है, तो प्रोसेस तो इस्टेब्लिश हो ही गया है ना। पहली बार तो सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग ही रहा होगा वो भी। जी चलिए चलिए चलिए। सो आई विल शेयर द स्टॉक्स दैट आई हैड फॉर 26। इनमें से ट्रेड एग्जीक्यूट केवल एक पीईएल में ही हुई है, आई विल टेक दैट एग्जाम्पल। सो दिस इज द चार्ट ऑफ पीईएल ऑन 5 मिनट्स, अभी इसमें कोई इंडिकेटर अप्लाइड नहीं है। तो वेन एवर पीपल सब्सक्राइब टू द इंडिकेटर, वेन यू गो टू इंडिकेटर्स, सिंस आई एम द ओनर हियर, तो यहाँ पर इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर स्टेबल फोक इंडिकेटर, आई विल बी गिविंग यू बैक एंड एक्सेस, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इज ऑलरेडी एडेड टू माई चार्ट। तो अब इंडिकेटर अपना जो भी प्राइस एक्शन की रीडिंग है उसके हिसाब से बाय और सेल सिग्नल देने लग जाता है। सो अ सेल रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग ओनली, एंड दिस ब्लू लाइन इज द टारगेट लाइन, दीज डॉटेड लाइंस आर 8 ईयर ट्रेलिंग स्टॉप्स। कई लोग जो यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहते, हायर टाइम फ्रेम हायर प्रॉफिट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, वो लोग इन टारगेट्स पर रिलाई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ये ऑलमोस्ट 0.78% ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इट शुड बी इनफ इफ योर एम इज टू मेक डिसेंट मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी एट रन टाइम यू डोंट नो कि ये जो सेल बनी है, जो नीचे जो डॉट्स हैं ये हायर टारगेट्स हैं। सो अभी अगर अपन सिस्टम की बात करें तो इंडिकेटर इज अप्लाइड एंड नीचे ईडीएक्स का भी मैंने अपना खुद का एक कंसोल बना रखा है, इट्स अ स्मॉल प्लग इन, तो दिस इज अ क्रॉस ओवर, जब भी क्रॉस ओवर होगा तो इंडिकेटर इटसेल्फ विल टेल यू दैट देयर हैज बीन अ क्रॉस ओवर, और द ऑरेंज लाइन इज द नेगेटिव डीआई एंड द ब्लू लाइन इज द पॉजिटिव डीआई। अब इस केस की बात करें, देर इज अ लॉन्ग सिग्नल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेल है ये हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रेड ही 9:20 के बाद मिलेंगे, तो दिस इज नेगेटेड एज इट इज। नाउ 9:20 पे एक लॉन्ग सिग्नल बन रहा है बट देर इज नो बुलिश क्रॉस ओवर हियर, तो इसमें मेरा पॉइंट नंबर 2 इज नॉट इन कॉन्फ्लुएंस एंड द पॉजिटिव डीआई ऑल्सो इज नॉट अबाउट 25, दिस ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स द 25 लेवल एंड द पॉजिटिव डीआई इज नॉट अबव इट, तो मेरे 3 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के 2 पॉइंट यहाँ पे फैक्टर इन नहीं हो रहे, आई विल नॉट इनिशिएट दिस ट्रेड, दो वी कैन सी कि ये लॉन्ग बनी है, इट हैज रिवॉर्डेड एज वेल, इट हैज हिट द टारगेट एंड द इंडिकेटर इज टेलिंग यू टू बुक प्रॉफिट, बट एज पर द सिस्टम दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड, इट इज अ रिस्की ट्रेड। ओके सर बट आपको जो अलर्ट आएगा फोन पे, या जी, जो आपने कहा कि अलर्ट आएगा, वो कब आता है? जब लॉन्ग आ रहा है तब अलर्ट आता है कि कब आ रहा है? सर दोनों सिग्नल्स में दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली, आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, गो टू एन अलर्ट एंड यहाँ पे स्टेबल फोक इंडिकेटर हमको सेलेक्ट करना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एन अलर्ट यू वांट, यू वांट अ लॉन्ग अलर्ट, लॉन्ग सेलेक्ट किया एंड नाउ यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, या तो आपको स्क्रीन मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, और इफ यू आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी वेब हुक तो आप टेलीग्राम वगैरह पे भी अपने ये सिग्नल्स ले सकते हैं।
ओके नाउ वी हैव अ शॉट, ये वाली 10:30 पे एक शॉट जनरेट हो रही है. नाउ इफ यू सी द साइज ऑफ द कैंडल, इट इज एन एबनॉर्मल कैंडल बिकॉज इस एक कैंडल में 0.83% का मूवमेंट हो गया है. सो एनी कैंडल दैट इज अबव 0.78 इज एन एबनॉर्मल कैंडल एज पर द सिस्टम. नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ये सिग्नल कैंडल क्लोज होने के बाद जनरेट होता है। जी सर मैं ओके अभी इसको रिप्ले करके आपको दिखाऊंगा एंड आई विल टेक अ मॉक ट्रेड इन ऑप्शंस. तो अभी मैं इसका रिप्ले भी आपको चला के दिखाऊंगा बट आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन हाउ द थ्री पॉइंट्स आर इन कॉन्फ्लुएंस हियर. देयर इज अ सिग्नल ऑन अ 5 मिनट कैंडल, तो कंडीशन नंबर वन इज सेटिस्फाइड एंड एट द स्टार्ट ऑफ द डे देयर इज ऑलरेडी अ क्रॉस ओवर, देयर इज अ बेरिश क्रॉस ओवर, तो सेकेंड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है. नेगेटिव डीआई और पॉजिटिव डीआई का क्रॉस ओवर हो रहा है एंड द नेगेटिव डीआई द थर्ड कंडीशन इज अबाउट 25. तो मेरे तीनों पॉइंट कॉन्फ्लुएंस में यहाँ पे आई कैन गो अहेड विद दिस ट्रेड. ठीक है, अब इस ट्रेड में मैं आपको रिप्ले भी चला के दिखाऊंगा. SL, since it's an abnormal candle, SL will be 0.38 added to the system. एक कैलकुलेटर में साथ में इंडिकेटर के देता हूँ, जब ये हो तो इजी कैलकुलेशन के लिए अपने पास एक सिस्टम रहता है कि SL कहाँ पे लगाना है. कैलकुलेटर देता हूं मैं, समझा नहीं। हाँ सर ये एक एबनॉर्मल कैंडल है क्योंकि इसमें कैंडल का साइज इज वेरी बिग. अगर मैं स्टॉप लॉस इन जनरल जो मेरा सिस्टम बोलता है उसके हिसाब से ये जो कैंडल का हाई है शुड हैव बीन माय स्टॉप लॉस जी और टारगेट है यहाँ. अब नाउ आई एम एंटरिंग ईयर, तो मेरा स्टॉप लॉस हाँ बहुत बड़ा हो गया इस केस में हाँ और आई एम वर्किंग फॉर अ स्मॉलर टारगेट. तो इन हाँ केसेस में रिट्रेसमेंट्स भी बहुत डेंजरस होते हैं, तो वी टेक द एंट्री एट दिस प्राइस प्लस 0.38%, तो विच कम्स हाँ आउट समवेयर अराउंड हियर. ये ऑलरेडी इंडिकेटर ने प्लॉट भी कर दिए डॉट्स. ओके तो ये जो आपके यस सर डॉटेड लाइंस हैं ये बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जी सर. हाँ सो व्हाट आई विल डू हियर इज मैं एक बार रिप्ले करता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया एक्चुअल रन टाइम पे हाउ डू वी टेक ट्रेड्स. सो दिस इज द प्राइस एक्शन जो उस टाइम पे लाइव चल रहा है. अब ये एक सेल सिग्नल अपने सामने बना है. यहाँ पे द इंडिकेटर इज टेलिंग टू गो शॉर्ट एट 1908 एंड दिस इज द टारगेट 1893. अब एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इज एन नॉर्मल कैंडल, तो हमारा जो इस वाले ट्रेड में SL होएगा इस कैंडल का हाई है 1924. मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. 1924 इज द कैंडल हाई. तो मेरा जो SL है विच आई हैव द SL दैट आई हैव टू कीप इज 1916.7, ओके ऑलमोस्ट इस लेवल पे. अब ये जो केसेस है ना सर, यहाँ पे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रह जाता है क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बन गई है तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. अगर एक डिसेंट साइज की कैंडल बन रही है 0.25-0.5% तक की, वहां 1:2 आराम से चलता है. लेकिन ये एक एबनॉर्मल केस है एंड इन लाइव मार्केट हर तरीके का सिनेरियो होगा. इट्स अ गुड एग्जाम्पल जिसमें हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं. सो आई एम वर्किंग फॉर दिस SL. 1916 इज द SL एंड आई एम टेकिंग एन एंट्री इन द नेक्स्ट कैंडल जो भी ओपन हो रही है ना, क्योंकि ये सिग्नल तो कैंडल क्लोज पे बनेगा. सो दिस कैंडल इज ओपनिंग एट 1909. 1909 पे मैं एंट्री लेने की सोच रहा हूँ एंड माई SL इज 1916.7. ठीक है सर, और टारगेट इंडिकेटर ने प्लॉट किया हुआ है 1893.25. सो SL इज 7.7 एंड आई एम वर्किंग फॉर अ टारगेट ऑफ 15 रुपीज. ठीक है सर, अब इस केस में सिंस इट्स अ डाउन ट्रेंड आई विल बी टेकिंग अ पुट, आई विल बी बाइंग अ पुट बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू करेक्ट. तो अभी प्राइस चल रही है 1910, तो जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस आएगी इसमें वो 1900 की पुट आएगी. आई हैव ऑलरेडी एडेड इट इन माय चार्ट. तो ये ट्रेड का एग्जीक्यूशन टाइम इज 10:30, तो 10:30 ऑनवर्ड्स आई एम प्लानिंग टू टेक द ट्रेड. तो 10:30 पे मेरा ये सिग्नल जनरेट हुआ है. अब मैं 10:35
और 10:30 के बीच में ये ट्रेड लूंगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसकी ओपनिंग थी 119.65 और हाई है 122। तो इसके कहीं बीच में रियलिस्टिकली मेरा एग्जीक्यूशन होगा। तो अगर मैं हाई को भी ले लेता हूँ अपनी एंट्री के लिए, तो आई एम एंटरिंग द ट्रेड एट 122। आई एम बाइंग दिस पुट एट 122। नाउ सिंपल रूल टू कैलकुलेट टारगेट्स इन ऑप्शंस। कई लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अंडरलाइंग में मूवमेंट हो रहा है ना, अगर यहाँ पे मैं 15 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन में भी 15 रुपये मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर हमने एटीएम स्ट्राइक प्राइस ली है तो वी हैव टू कीप अ डेल्टा ऑफ 0.5, विच मीन्स अगर मैं 15.75 अपने अंडरलाइन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इन ऑप्शंस आई कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 7.8। एंड अगर स्टॉप लॉस मेरा 7.7 है तो मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल ऑप्शंस में मुझको रखना है वो होगा 3.85 फ्रॉम माई एंट्री। सो नाउ माई टारगेट बिकम्स 122 प्लस 7.87। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 129.80 इज माई एग्जिट जोन, एंड फॉर एस एल 122 माइनस 3.85 विल बी द एस एल। सो 118 रुपये का एस एल एंड 129 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। पीईएल का लॉट साइज इज 550। तो 5, अगर ये मैंने ये ऑप्शन की ट्रेड ली है इस डाउन ट्रेंड को प्ले करने के लिए, आई एम डिप्लॉइंग अ कैपिटल ऑफ 67,100। आई विल गो बैक टू द चार्ट ऑफ द ऑप्शन। नाउ माय टारगेट इज 129.87। तो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ 129.87 पे और मेरे एसएल के लेवल पे भी। ये तो मेरा टारगेट बुकिंग लाइन है और एक सौ अठारह रुपए कुछ पैसे पे 118.15, सो राउंड अबाउट इस जगह पे आ रहा है। सो ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूशन थी। अनफॉर्चुनेटली जीरोधा के चार्ट्स में बार रिप्ले अलाउड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इसको भी रिप्ले करके दिखाता है कि उस टाइम पे प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। तो हमने इस ट्रेड में क्या किया है सर, 9:30 और 9:35 के बीच में हम लोगों ने एक एंट्री ली है। फॉर दिस डिस्कशन आई हैव टेकन द वर्स्ट पॉसिबल रेट, 122 रुपये पे हाईएस्ट है इस कैंडल का, तो हमने 122 पे एंट्री करी है। एंड वी आर वर्किंग फॉर दिस टारगेट 129 एंड दिस इज दी एसएल। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं 11:10 या 11:15 पे हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, और अंडरलाइंग में भी आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस रीप्ले। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो दोनों पॉइंट्स कॉन्फ्लुएंस में आ गए, हमने अंडरलाइंग का जो मूव है उसको ऑप्शन बाय करके कैप्चर कर लिया। संकल्प, आपने मुझे बताया था कि आपने एक्चुअल में ट्रेड जो किए थे वो भी आप कितने आपने ट्रेड किए थे और कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए, आपने आपके पास एक एक्सेल शीट है जी शायद। जी 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 तो हाँ, ये ये भी फेब्रुअरी का हमारा जितने भी स्टॉक सिलेक्शंस थे उसमें जहां जहां पे भी हमारा सेटअप इन कॉन्फ्लुएंस था, ये उसकी एक समरी है। मैं इसको लाइव कर दूंगा इफ अगर किसी को इसमें रिसर्च करनी है या इसमें देखना है कि क्या ट्रेड्स बनी और क्या टारगेट्स अचीव हुए। तो हाँ, टोटल 96 ट्रेड्स सर सिस्टम ने जनरेट किए हैं फेब्रुअरी में, एंड ओके उसमें से 54 ट्रेड्स हैव बीन इन प्रॉफिट, एंड ओके एक लॉट के हिसाब से फ्यूचर के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है। दो हमारी ट्रेड्स ऑप्शंस में होती हैं, इसको आप हाफ कर सकते हैं, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो एक हाँ लॉट के हिसाब से ये प्रॉफिट आ रहा है। एंड 34 ट्रेड्स आउट ऑफ दिस 96 ट्रेड्स हैव गॉन बैड, जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंड 8 ट्रेड्स मैनुअली एग्जिट करी है। मैनुअल एग्जिट हम कब करेंगे, जब 3 बजने वाले हैं। अगर ट्रेड ऑन है और वो ना एसएल पे जा रही है ना टारगेट पे आ रही है, तो 3 बजे उसकी जो भी रेट चल रही है उस हिसाब से इस पर्टिकुलर एक्सेल में आप देखेंगे कि हमने ट्रेड्स क्लोज कर दिए। ओके ओके गॉट इट। सो दोस्तों, ये तो एक ना प्रोसेस है जो संकल्प ने अपने लिए बना रखा है। अब ऑब्वियसली संकल्प के पास में उसके रिजल्ट्स हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स से लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्क कर ही रहे होंगे।
जिसको और इस रिजल्ट के बारे में जानना है तो वो संकल्प से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। मैंने देखा नहीं है इस रिजल्ट को, तो मैं आपको इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे ये प्रोसेस लॉजिकल लग रहा है कि आपने अपना एक मॉडल बना दिया और आपने स्टॉप लॉस के भी अपने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिए, टेक प्रॉफिट का क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, और तभी एक्ट करना है जब आपके क्राइटेरिया पे चीजें मीट करती हो। ये प्रोसेस मुझे लॉजिकल लग रहा है संकल्प। बाकी पैरामीटर्स मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं आपके जी जी इंडिकेटर को जानता नहीं हूं और मुझे अंदर का कुछ नहीं पता है, तो बट मुझे प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपरी लेवल पे लॉजिकल लग रहा है कि कैसे आदमी अपना रूल भी डिफाइन कर सकता है। जी सर तो इसके बाद कुछ और, एक और स्टॉक कुछ देखा जाए, कुछ भी एक जी और सर, ट्रेड या कुछ भी? या एक आयशर मोटर का ट्रेड है मेरे पास जिसको मैं पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी आयशर मोटर में एक लॉन्ग बन रही है शुरुआत में, आप देख सकते हैं, और एक शॉर्ट बन रही है। शॉर्ट हम लेंगे नहीं क्योंकि ये सिस्टम के हिसाब से टाइम में नहीं बैठ रही है। अभी जो लॉन्ग बन रही है ये बड़ी बहुत बड़ी कैंडल है, बट यहाँ पे जो मेरे बाकी के दो पॉइंट्स हैं वो कॉन्फ्लुएंस में नहीं है। एट रन टाइम आई डोंट नो आगे क्या होगा, लेकिन मुझे मेरे बैक टेस्ट से पता है कि दिस इज अ ट्रैप। द रीजन आई केम टू दिस कंक्लूजन कि मुझको ये क्रॉसओवर भी चाहिए, मुझे एडीएफ की ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब नहीं होती ना तो ये ऐसे ट्रैप्स बनते हैं। इट लुक्स रियली गुड, रियली ब्यूटीफुल कि अब तो इट इज गोइंग टू गिव अ ब्रेकआउट, बट इट एक्चुअली इज अ ट्रैप बिकॉज देर इज नो स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस ट्रेंड। दिस इज जस्ट अ कैंडल विच विल अट्रैक्ट बायर्स, एंड दूसरी तीसरी कैंडल में फेल हो जाएगी, स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं होगा तो होप ट्रेड बना के लोग बैठे रहेंगे कि इतना बड़ा वॉल्यूम आया था। वो साइकोलॉजी किस तरीके से ये कैंडल्स अट्रैक्ट करते हैं। सो जी आई हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दिस ट्रैप, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड नो मैटर ये कितना ऊपर जाए। वो जी हाइंडसाइट में अब अपन देख रहे हैं कि तो करेक्ट हो गई, हो सकता है कि इट जी कुड हैव जस्ट फ्लोन अवे, कोई बात जी नहीं, हमारे सिस्टम ने उस टाइम पे अलाउ नहीं किया, तो वी आर नॉट टेकिंग दिस ट्रेड। जी इट्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस दैट वी डिड नॉट टेक दिस ट्रेड। जी 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 नाउ वी हैव अ शॉर्ट सिग्नल। शॉर्ट सिग्नल में माई थ्री पॉइंट आर इन कॉन्फ्लुएंस। आई ऑलरेडी हैव अ क्रॉसओवर ऑफ नेगेटिव डीआई एंड पॉजिटिव डीआई, इट्स अ बेयरिश क्रॉसओवर, एंड द नेगेटिव डीआई इज अबाउट 25, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लैक लाइन। आई कैन गो हेड विद दिस ट्रेड, आई हैव अ 5 मिनट सिग्नल, माई आई हैव अ क्रॉसओवर, आई हैव द डीआई इन माई फेवर, एंड यू कैन सी, आई जस्ट क्लियर दिस ड्रॉइंग। ये सेल जनरेट हो रही है 2524 लेवल पे, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे गई है। स्टॉप लॉस विल बी द हाई ऑफ दिस कैंडल जो हिट नहीं हो रहा है, एंड 2525 से हम लोग 2504, ऑलमोस्ट 20 रुपए का करेक्शन अगर हम सिस्टम को फॉलो कर रहे होते तो यहाँ आराम से कैप्चर कर लेते। अब ड्यूरिंग द डे इट्स चोज दिस एग्जाम्पल स्पेसिफिकली जिसमें सेल और बाय दोनों को अपने को एग्जाम्पल मिल रहा है ड्यूरिंग द डे। अब ये ट्रेड ओवर हो गई है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कई लोग होते हैं जो इतने से टारगेट के लिए नहीं काम करते, वो एक इसको छोटी ट्रेड मान सकते हैं कि 20 रुपए की ट्रेड है। अगर आपको ज्यादा हायर टारगेट चाहिए तो इंडिकेटर विल कीप प्लॉटिंग दीज लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, और आप इनको फैक्टर इन करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कॉस्ट, या फिर प्रीवियसली अचीव्ड कोई डिमांड जोन पे ट्रेल करते रहिए। उसको ओरिजिनल ट्रेल उस पर मत रखिए, उसको ट्रेल करते रहिए, और आप इन टारगेट्स पे अपना एम कर सकते हैं। आगे अपने को एक और लॉन्ग सिग्नल मिल रहा है सर 155 पे। यहाँ पे भी मेरे तीनों पॉइंट कॉन्फ्लुएंस में है। आई हैव अ लॉन्ग सिग्नल ऑन अ 5 मिनट चार्ट, आई हैव अ क्रॉसओवर, एंड नाउ द पॉजिटिव डीआई इज अबाउट 25, एंड दिस इज हैपनिंग इन अ फॉलिंग मार्केट इफ यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज अब मेरे सिस्टम के हिसाब से मेरे जो तीन पॉइंट यहाँ पे मुझे इस ट्रैप से बचाए थे, नाउ द अदर टू पॉइंट्स हैव आल्सो जॉइंड, एंड ये एक परफेक्ट सिस्टम पे, सिस्टम के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड है। तो सिस्टम इज गिविंग अ लॉन्ग ऑफ 2496, एंड वी कैन सी 2515 इसका टारगेट अचीव हुआ है। इंडिकेटर हैज गिवन एन अलर्ट अलर्ट लॉन्ग बुक प्रॉफिट, एंड अगर आपको यहाँ नहीं बुक करना है इट विल कीप प्लॉटिंग दीज हायर टारगेट्स। नाउ दैट इज अ पर्सनल चॉइस। आई वुड रिकमेंड कि आप एक स्टॉक का 0.78% या 0.8% भी कैप्चर कर सकते हैं मूव, इट शुड बी इनफ फॉर योर नीड्स, एंड देर इज नो एंड टू दीज मूव। हाइंडसाइट में तो आप कितने ही परसेंट रिटर्न बना सकते हैं, बट रियलिस्टिकली फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर अगर आप 0.8% भी कैप्चर कर पा रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ।
सही है। आई थिंक संकल्प दी मैसेज ऑफ क्रिएटिंग अ रूल ड्रिवन सिस्टम इज वेल कम्युनिकेटेड, और आपका सिस्टम मेरे को काफी डिसेंटली रोबस्ट लग रहा है। बाकी तो आपकी आप खुद कमाते हैं और आपके चेहरे पे दिखता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट है, तो वर्क करता ही होगा। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं संकल्प के सिस्टम के साथ जुड़ना, तो आप संकल्प से कनेक्ट करिए, और उनसे और बातचीत करना तो बातचीत करिए। संकल्प आपका ट्विटर ट्विटर से कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। जी, मेरा ट्विटर हैंडल है सर, निफ्टी बाबा। ये आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट इट। ये बहुत फनी जी नेम है, पीपल थिंक दैट इट्स अ पैरडी अकाउंट। जब मैं या हॉस्पिटल से आया था, माई सन कुड नॉट मीट मी इन द आईसीयू। व्हेन आई केम बैक, आई वॉज ऑन द बेड। तो वो बोलता था कि खेलो मेरे साथ एंड कुछ करो। मैं बिस्तर पे पड़ा रहता था, दिन भर चार्ट देखता रहता था। मैं अलग अपने ऑब्जेक्टिव पे था कि मैं एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं, उसको खेलना था। एंड एट दैट टाइम मतलब मैं बाथरूम पे भी मेरे को डिपेंडेंट था किसी के साथ जाना, तो मेरी दाढ़ी वाड़ी बहुत लंबी हो गई थी। तो एक दिन वो बहुत इरिटेट होकर के मेरे को बोला कि आप एकदम बाबा बन गए, उतनी लंबी आपने दाढ़ी कर ली है और दिन भर निफ्टी देखते रहते हो, यू हैव बिकम निफ्टी बाबा। मैंने उसको उस पॉइंट में बोला, मैं ये तेरा जो नाम है ना, इसको यूज करूंगा कभी ना कभी। तो दिस इज माई हैंडल, निफ्टी अंडरस्कोर बाबा। ओके, सो दैट्स सो स्वीट। सो व्हाट एवर बी इट, आपसे कनेक्ट होना है तो इस हैंडल पे लोग जा सकते हैं। उस हैंडल का लिंक मैं दे दूंगा, इन केस यू वांट टू टॉक टू संकल्प। एंड संकल्प, प्लीज रिप्लाई टू द क्वेश्चंस इफ पीपल हैव एनी श्योर सर, श्योर सर, ऑन श्योर दिस सर। जी सिस्टम। और प्रोसेस तो बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, तो मुझे मजा आया। बाकी सिस्टम को लेके मैं भी आपसे अब अलग से अब कनेक्ट करूंगा, और किसी जी तरीके से आपके सिस्टम के साथ जुड़ूंगा और देखूंगा कि सर, एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी, इट विल सो संकल्प, थैंक बी यू एन सो ऑनर सर फॉर मच। मी। या आई'ल ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस लवली लवली कंटेंट फॉर अस। इट वाज रियली यूजफुल, काफी इंसाइट मिला है, एक प्रोसेस का आइडिया लगा है। और मुझे 100% श्योर है कि कोई ना कोई ऐसा एक सिस्टम अपने लिए भी बनाएगा और अपने लाइफ को एक पीसफुल ट्रेडर के रूप में डेवलप कर पाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों, आशा कर रहा हूं अच्छा लगा होगा ये एक और सीरीज। देखिए, अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल होता है लोगों का, और हमें सारे स्टाइल्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और होता जाएगा। जितना एल्गोज आएंगे, जितना रूल ड्रिवेन नाम काम करेंगे, जितने पैसे सिस्टम ओरिएंटेड एक्टिविटीज में डलेंगे, उतना ज्यादा मार्केट कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम जितना जल्दी इस बात को समझ पाए कि हमारा एक सिस्टम बन जाए और उस सिस्टम के आधार पे ही काम करें, हो सकता है कि आपको सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए और भी काम करना पड़े, उस पर रिव्यू करते रहना चाहिए। आई एम श्योर संकल्प भी करते होंगे, उसको रिविजिट करते होंगे पीरियोडिकली। बट फाइनली ये जो थियोरी है ना कि इंट्राडे करना, ये होगा तभी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मैं बैठा हूं, ये थ्योरी में अपने को जितना जल्दी आ जाएंगे उतना आपको पीस मिलेगा, उतना आप शांति से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और लोगों को एम्पावर करने में मेरी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय संकल्प, थैंक यू। यस, ओके सर, थैंक यू।